हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ, ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये स्प्रिंग का फूल है और विंटर में भी ये खिलते हैं, और ये है डेफोडिल्स। और वो मेरा लास्ट ईयर का प्लांट था और इस साल मैंने कुछ नया बल्ब खरीदे हैं जो कि आप लोगों के साथ इसका अनबॉक्सिंग भी करते हैं। देखिए, ये दो कलर का मैंने ले लिया और एक कलर का भी मैंने लिया है, वो येलो कलर में है जो कि आप लोगों ने मेरे वीडियो के शुरुआत में देखा है। और ये है ऑरेंज कलर और वो पिंक में है, और ये वाला है येलो कलर में जो कि पिछले साल मेरे पास था। अभी वो उसका बल्ब ख़राब हो गया था क्योंकि हम बहुत दिनों तक घर पे नहीं था, तो उस वक्त वो ख़राब हो गया था और इसलिए मैंने दोबारा से मंगवा लिया है। और ये दूसरा सेलर से लिया है इसलिए इसका पैकिंग भी अलग है। तो ये बहुत ही अच्छा बल्ब आया है, ये वाला जो येलो कलर का है, तो इसको ही अभी हम ग्रो करते हैं और साथ में इसका केयर टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी बल्ब है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी पॉट में आप प्लांट्स को ग्रो करेंगे उसमें ऐसा बहुत सारे शेड बना लीजिएगा, और बल्बस प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो सेट बनाना पड़ेगा। और उसके ऊपर आपका छोटे छोटे पत्थर या फिर सैंड डाल के बहुत ही अच्छा सा आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो प्लांट है, प्लांट हो बल्ब हो जो भी हो, उसको ग्रो करना है तो इसके ऊपर में आपको अभी जो सॉइल मीडिया है वो देना है। देखिए, सॉइल मीडिया सारे बल्बस प्लांट का एक जैसा ही होता है, एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग आपको कंपोस्ट लेना पड़ेगा, और साथ में आप एक भाग सैंड या फिर आधा भाग भी ले सकते हैं, और साथ में आपको आधा पार्ट वो कोकोपीट लेना है। तो कोकोपीट के बदल में आप राइस हस्क भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है, या फिर सॉडस्ट भी ले सकते हैं, तो वो लेना ही लेना है क्योंकि मॉइस्ट भी रखना पड़ता है। और उसके साथ मैंने नीम खली और बोन मिल मिलाया है, 2 चम्मच नीम खली और 3 चम्मच से सब बोन मिल मिलाया है। ये 8 इंच का पॉट है, तो इस पॉट में मैं ये सारे बल्ब्स को, एक जो येलो कलर का है उसको ग्रो करेंगे ये वाला पॉट में। और फ्रेंड्स, ये सब को आप जहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है जिस इलाके में, वहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है, तो हमारे यहाँ पे ठंडा ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे अच्छे से ये सारे बल्ब्स ग्रो होता है। तो इसको देखिए, ये जो पॉइंटेड एरिया है उसको आपको ऊपर में रखना है, और नीचे से देखिए रूट्स निकाल भी गया है, तो वो बेस बेस जो होता है उसको आपको नीचे ही रखना है, ये वाला पोर्शन को, तो ऐसे करके आपको रखना है। फिर इसके ऊपर आपको जो सॉइल मीडिया आपने बनाया है वो देने से हो जाएगा। तो मैंने चारों बल्ब को एक ही पॉट में लगा दिया है। और फ्रेंड्स, बहुत दिनों तक इसका फूल रहता है। और पहले हम इसका सनलाइट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसको दूसरे बल्बस प्लांट को जैसे धूप, विंटर का फुल सनलाइट देना है, इसको आप नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन फिर भी विंटर का आप 4-5 घंटे का धूप दे सकते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग में आपको सुबह का 2-3 घंटे का धूप देने से ही हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करेगा। और जब फ्लावरिंग कर जाएगा तो अब आप सेमी शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं, बहुत दिनों तक फूल रह जाएगा। देखिए, हमारा बल्ब को लगाना भी हो गया है, तो ऐसे ही करके आप भी बल्ब को लगाइएगा, और लगाने के बाद ऐसे करके आपको पानी देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, वो सॉइल मीडिया के साथ आप जो फंगिसाइड पाउडर है उसको भी 1 चम्मच मिलाना है, नहीं तो ऐसे करके लास्ट में भी आप जैसे आप पानी दे रहे हैं उस समय आप मिट्टी के ऊपर डाल के भी आप पानी दे सकते हैं। मैंने मिट्टी के साथ ही मिला दिया था, वो बोलना भूल गया था मैंने। और फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को पानी भी आपको देख के ही देना है, मॉइस्ट रखना है, लेकिन एकदम सोगी मिट्टी बना के नहीं रखना है। इसीलिए हमने बहुत ही अच्छा सा सॉइल मीडिया भी बनाया है ताकि पानी ना रुके वहाँ पे, और उस हिसाब से आपको पानी देना है, लेकिन मिट्टी के अंदर नमी होना चाहिए, ठंडक होना चाहिए। तो ऐसा करके आपको पानी दीजिएगा आप इन प्लांट्स को, जब देखें कि ऊपर का मिट्टी थोड़ा सा सूख गया है तब आप इन प्लांट्स को पानी दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फर्टिलाइजर भी आप सेम रेशियो का कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, और वो आप 10 दिन के अंदर अंदर लिक्विड वाला देने से हो जाएगा।
और जो सॉलिड वाला देने से आप 15 डेज के अंदर अंदर एक चम्मच जो टीस्पून है उससे 60 इंच के पॉट में एक चम्मच देने से ही हो जाएगा। देखिए अभी हम दूसरा वाला बल्ब को भी लगा लेते हैं। तो फर्टिलाइजर आपको वैसा ही देना है या फिर यूरिया, फॉस्फेट और पोटास तीनों को सेम अमाउंट में लेके, सेम रेशियो में लेके वहाँ से फिर एक चम्मच आप दे सकते हैं, या फिर उसको आप 1 लीटर पानी में घोल के भी दे सकते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिशन का भी बल्बस प्लांट को कमियाँ आ जाता है, तो इसीलिए आप महीने में एक बार माइक्रो न्यूट्रिशन का स्प्रे कीजिएगा प्लांट्स में, और साथ में सॉइल मीडिया में भी डालिएगा तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और इन प्लांट्स को पेस्टिसाइड का भी स्प्रे कीजिएगा, कोई पेस्ट वगैरह लग सकते हैं। तो 15 डेज के अंदर अंदर डाइमेथॉट 30% का कोई भी पेस्टिसाइड आपको 30 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में अच्छे से खोल के स्प्रे करना है। और फंगिसाइड पाउडर का भी इस्तेमाल करना है बल्बस प्लांट को, तो मिट्टी में भी आप महीने में एक बार या फिर 20-25 डेज के अंदर अंदर एक चम्मच मिट्टी में डाल के पानी डालिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा बल्ब भी, और अगले साल के लिए भी बल्ब आपको तब आप तब स्टोर कर पाएंगे। तो वो मैं जब करूँगी तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स तो ऐसा ही करके आप इन प्लांट्स को केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट्स में बहुत सारे फूल खिल जाएगा। और फ्रेंड्स इन प्लांट्स को मैं जब लगाया था मिट्टी में तो उसके 8-10 दिन अभी हो गया है, मैं आज का वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए वो, ये वो वाला जो पहले हमने जो बहुत ही हेल्दी बल्ब था वो है ये, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए ग्रो हो गया है, मतलब उग गया है ये। तो इसमें स्प्रिंग में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन विंटर में भी फ्लावरिंग होते हैं ये देखिए। लेकिन मेरा लास्ट वाला मैंने स्प्रिंग में ही खिला हुआ आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, उस समय मैंने उसको खरीदारी किया था। तो फ्रेंड्स ऐसा ही करके इसका आप केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट्स में ज़रूर फूल खिल जाएगा। और इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।